केंद्रीय जेल में लगे जैमर कारण लोग परेशान। नेड़ले इलाका निवासियों को दो महीने तो आ रही ने मुश्किल। इलाका वासियों वालों किया गया जेल के बाहर तेज बारिश के रोस प्रदर्शन। एक पासे पंजाब दी जेलों में गैंगस्टर निजी चैनलों नाल इंटरव्यू कर रहे हैं, उत्थे ही इस इंटरव्यू तो बाद हुण पंजाब दी कई जेलों के जैमर लगाउण की शुरुआत भी कर दी गई है। तो इस विच सब तो पहला नाम अमृतसर की केंद्रीय सुधार घर का आया, जिस विच जैमर लगा दिता गया। तो जैमर लगन के नाल हुण उस इलाके के नज़दीक रहने वाले लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पै रहा है। तो उन्होंने वालों अमृतसर की केंद्रीय जेल के अधिकारियों के नाल मुलाकात करने लिए समा भी मंगया जा रहा है। लगातार ही दो महीने तो वासियों वालों जेल के बाहर धरने प्रदर्शन करके कई बार मंग पत्र भी दिते जा चुके हैं, जिन्हां दे विच उन्हां नूं इंटरनेट की सुविधा की काफ़ी प्रॉब्लम का या कह लीए कि काफ़ी मुश्किल का सामना करना पै रहा है। जिहड़ी अज पिंड प्रतापपुर दे विच समस्या सी, जिहड़े जेल दे जैंबर लगे, दो दो किलोमीटर रेंज जिहड़ी पिंडां दे विच आउणी बंद हो गई सी। उन्हां इलाका निवासियों ने अगे भी धरना लाया सी, अगे भी जेल प्रबंधन ने 15 दिन का समा मंगया सी, पर वो 15 दिन उन्होंने ऐ ही नगा छड़े भी जिहड़े लोग अज इकट्ठे होए आ ये बाद च नहीं इकट्ठे होने। इन्होंने जथेबंदी दी पिंड दी इकाई को मुद्दा चुकिया, वो ब्लाक च पास होया, जिले च पास होया। अज इन्हां लोगों ने मार्च करदिआं किसानां मजदूरां ने जेल वाल नूं आए सी, सुपरिनेंट दा लंबी चली मीटिंग तो बाद उन्होंने यह गल का जज कराया भी लोग तंग ने, वो भी मन्ने आ भी लोग तंग ने, जिहड़े लोग बच्चे जिन्हां दे पढ़ रहे ने वो पढ़ नहीं पा रहे, जे कोई एमरजेंसी सेवा मेडिकल दी ते वह फोन नहीं कर पा रहे, सीधा जाके हॉस्पिटल एडमिट होना पै रहा वा। वो मन्ने आ भी सवेरे टीमा सद के कुछ लोकल बंदे लै के जिहड़ा इन्हां सर्वे करवा के जिहड़ी बाउंड्री वल उत्थों तक जिहड़ी जैंबरां दी रेंज रखी जाऊगी। इस गल दा अहीं भी समर्थन करदे आ, जे कोई गलत आंसर आ ते उहनूं नत्थ पाई जावे, पर जिन्हां दा कसूर ही कोई नहीं, सारा पिंड ही मतलब फोन नहीं चलने, ये जिहड़ी ये ते गल गलत ही। वो भी मन्ने आ भी छेती तो छेती मसले का हल कढ के ये रेंज का तुहाडा जिहड़ा पहल दे आधार ते कम कीता जाऊगा। जे ना होगा फिर पक्के तौर पर जथेबंदी इतने टंट ला के बहूगी, आने वाले दिनों तुम्हें संघर्ष भी मिल सकता, कर देंगे ठीक है जिन्हें समय के नहीं तो फिर पक्के तौर पर इतने जथेबंदी फिर इन्हों वास्ते औखी गल हो जानी भी फिर उदो जल्द करना पैना, उदो मजबूर न उस टाइम ही करना पैना। जे लोगों ठा अज ये लोग जोड़े मंग पत्र देन आए थे, पर उदो जो लोग आ बह ही गए फिर ठाने बहुत मुश्किल हो जाने। मैनू प्रबंध तो सीएम तो यह बेनती है भी ये समस्या का हल किया जाए, आम जो किसान मजदूर आ प्रभावित हो रहे हैं, लोगों के छोटे छोटे बच्चे हो रहे हैं, जे कोई रात को बीमार हो जाता उन्हें मेडिकल सहूलत नहीं मिलती पई, इस करके ये मसले का हल किया जाए। जेल के जैंबर लाओ, 100-100 वारी लाओ, उसकी उत्थे ना मोबाइल चलन दो, चैकिंग करो, पर जिहड़ा लोगों का दोष ही कोई नहीं, दो दो किलोमीटर से उन्होंने भी ना रेंज आए उन्होंने, ये तो हो नहीं सकता। अज यो विश्वासन दवाया गया भी जोड़ा मसला तुहाडा आने वाले दिनों के जल्दी हल किया जाऊगा। पहलों भी असी मैडिकल आधार से करते पे हाँ, उन्होंने विखाइया फाइलों भी जड़िया उत्तर उच्च अफसर आप भेजिया वा, सर्वे हो रहे हैं, कल भी होए सी, हुण कल फिर हो जा रहे हैं सर्वे, जो भी मतलब कोई गलबात हो निकल के आँगी जे कर देंगे ठीक है, नहीं तो अगला संघर्ष दे तैयारी विडांगे। मेरा नाम विशाल ग्रोवर है जी, आप दशमेशवर कलोनी तो आए हैं। साढ़े जड़े इलाके समस्या जी पहले एक महीना पहले भी आप धरना लाया सी, अज फिर इस मुद्दे से सानू धरना लाना पिया वै, जिदा सहयोग सानू किसान यूनियन वालों सारा पूरा सहयोग दिता वै, साड़ी सुपरिटेंडेंट साहब नाल अंदर गल हुई है, एक घंटा मीटिंग हुई है, उन्होंने सानू फिर आश्वासन दिता वै कि एक महीने विच तुहाडा मसला हल किया जाएगा, पर आप उन्होंने कहा वै कि तुसीं सानू रिटर्न च लिख के दवो कि हाँ जी तुहाडा मसला हल हो सकता वै। उन्होंने कहा वै कि तुहाडा मसला हल कर देवांगे, सानू सेंटर उपर गवर्नमेंट तक भी आप आवाज़ चुकनी पे, वह भी चुकांगे आप, बाकी उन्होंने सानू बहुत अच्छी तरह डील किया वै, बहुत अच्छी तरह समझाया वै कि इहदी रेंज कितों तक जाती है, सारा प्रॉपर उन्होंने समझाया सानू, बाकी सारे इकट्ठे होए पे ने क्योंकि साडा जिहड़ा इक्को ही मुद्दा सी, साडा होर तो कोई मुद्दा है ही नहीं, साडे कोई मंग हले कहिंदे जी अंदर अंदर ट्रायल बेस चलता पिया वै, कंपनी अंदर अपना काम करन लगियां होई वै, जिहदा कहिंदे जी 15 तो लैके 1 महीना तक होर टाइम लगेगा, ठीक है जी। होर वह कहिंदे पे ने कि कंपनी वालों नूं आपां प्रैशर दिता होया वा पूरा कि इहनूं जल्दी तो जल्दी इहनूं समेटा जाए, इहदी रेंज सैट की जाए, कहिंदे हर कंपनी वाले लगे हुए ने अपना अपना जोर लाते पे ने, पर कहिंदे हले हुण अंदरली टैक्नीकल जिहड़े टीम हैगियां हुण वह आणगियां,
पहले तो सैट करने वाले से हूँ टैक्नीकल जे इंजीनियर है हूँ इन्हों के उपर जो वे इंजीनियर वो आ लगे ने इनू सैट करने वास्ते हले तो फिलहाल तो चुक दिता गया वै बाकी इन्होंने सानू कहा वै इन्होंने सानू कल फिर बुलाया वै कल साढ़े पांच सात बंद फिर बुलाया वै मीटिंग करने वास्ते कि मंग पत्र इन्हों बाय हैंड एक और दे दिए क्योंकि आप मेल भी भगवंत मान साहब भी मेल भेजी है सुपरिटेंडेंट भी पहले मेल पाई है आप सेंट्रल गवर्नमेंट तो मेल पा चुके हैं उसका रिप्लाई भी आ चुका वै रिप्लाई दे यही लिखा गया वै कि कंपनियां इन्हों सैट कर दी पई वै बाकी उन्होंने इन्नी गल कह दी है कि विद इन एक महीने मसला हल हो जाएगा जे जे नहीं मन साड़ी मंग पूरी होंगी फिर साडा होर धरना जिनी अज संख्या आई है उस दस गुना होर संख्या तो वधेगी बाकी उन्होंने विश्वास पूरा दवाया सानू कि भरोसा सारे दिता उन्होंने तो आप उन्होंने को रिटर्न लवेंगे आप रिटर्न उन्होंने को लिखती लवेंगे जिन्होंने सानू कल लिखती सानू दे लगे ने। इस मौके केंद्रीय जेल के उच्च अधिकारियों ने इलाका वासियों किसानों गलबात करद उन्होंने विश्वास दवाया कि जो इलाका वासियों वालों मंग पत्र उन्होंने दिता गया उसनों वो उसके उच्च अधिकारियों से सरकार के पास भेज देंगे तो दसिया कि जो केंद्रीय जेल के जैमर लगया हुआ यह हाई कोर्ट के दिशा निर्देशों के तहत लगे ने अते उन्हें यह भी आख्या कि इलाका वासियों को आ रही मुश्किलों के मद्देनज़र रखते हुए इन्हों की रेंज घट की जाएगी। जिस मामले के मंग पत्र दे आए हो जो टावर लगाया गया है ये करके आस पास के कलोनियों के घर के मोबाइल सेवा बाधित हुई है मंग पत्र असी स्वीकार कर लिया है असी उपर अपने मुख दफ्तर भी दूसरी अथॉरिटीज भी थोड़े आन तो पहला ही असी सारा मामला उठा चुके हैं। जेल की जी सुरक्षा है वो साढ़े वास्ते सब तो पहल है और ये जो टावर लगाए जा रहे हैं मान्योग हाई कोर्ट के आदेश न लग रहे इन्ह टावर के जो सा लगाने का जो मंशा है वो ये है कि देश की सुरक्षा आस पास के लोगों की सुरक्षा और सूबे के अंदर अमन चैन को बना के रखने वास्ते ताकि कोई भी जेल के अंदर बैठा होया बंदी या कोई दोषी बाहर फोन करके किसी को परेशान ना कर सके या कोई ऐसी एक्टिविटी ना कर सके जो साडे देश के खिलाफ या साडे सूबे की अमन चैन के खिलाफ हो। जे टावर लगता है अंदरों गलत तरह दी कॉल जानियां बंद हो जाती हैं क्योंकि जो मोबाइल है वो जेल के अंदर प्रतिबंधित आइटम है असी किसी बंदी को मोबाइल का इस्तेमाल करने नहीं दे सकते उन्होंने रोकने वास्ते टैक्नोलॉजिकल सोल्यूशन बहुत जरूरी सीगा जो मानयोग हाई कोर्ट के आदेशों के अनुसार लगाया गया है। तुहाडा जो कंसर्न है तुहाडी जो समस्या है वो बारे असी अपने मुख्य दफ्तर और बाकी उच्च अधिकारियों दस भी दिता है तो अब तुहाडा मंग पत्र है ये लेके असं भेज रहे हैं कोशिश करांगे कि जिन्नी जल्दी हो सके इस समस्या का हल हो जाए। ठीक है जी तुसीं सारे आए हो बरसात के आए हो तुसीं साडे पड़ोसी हो असी पड़ोसियों के नाल रह के चलना है तो तुसीं साडे नाल रह के चलना तुसीं साडा साथ दिओ असीं तुहाडे नाल हैं असी जिहड़ी भी तुहाडी समस्या हैगी है असी वो मुख दफ्तर तों पहुँचा देनी है ये बारे में कमेटी जो भी डिसाइड करेगी जो टैक्नोलॉजिकल सोल्यूशन लभण वास्ते वो असी पूरी पूरी कोशिश करेंगे और मन के चलो असी ऑलरेडी पहला ही ये काम कर रहे हैं। ठीक है जी थैंक यू वेरी मच। इत्थे जिक्रयोग है कि मोबाइल के नैटवर्क ना आन करके काफ़ी मुश्किलों का लोगों को सामना भी करना पैंदा है तो उत्थे ही फतेहपुर जेल के जदों के जैमर लगे ने उस तो बाद लगातार फतेहपुर के इलाका वासियों कई मुश्किलों का सामना करना पै रहा है इलाका वासियों वालों हुण जैमर की रेंज घटाने वास्ते गुजारिश भी की जा रही है।